तीन साल से नहीं मिला वेतन, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही वृद्धा महिला, जानिए मामला। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी में एक रसोईया जो छात्रावास में खाना बनाती है, उसे तीन साल से वेतन नहीं मिला है। वहीं अब वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है एवं हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही है। बता दें कि आज उसकी पुत्री वृद्ध महिला को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पूनम माहौरी ने बताया कि उसकी माँ बसंती को पिछले तीन वर्षों से मजदूरी का वेतन नहीं मिला है। उसकी माँ पिछले तीन वर्षों से अशासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास शिवपुरी एवं करैरा में विगत कई वर्षों से अधीक्षक, रसोईया, चौकीदार, वाटरमैन के पद पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को पिछले तीन वर्षों से नियमित वेतन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन प्राप्त न होने से परिवार को संचालन में काफी परेशानी, आर्थिक एवं मानसिक रूप से सामना करना पड़ रहा है। कई बार वेतन भुगतान की मांग की है। रसोईया बसंती बाई काफी बीमार है, जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की परवाह प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। वहीं उनकी बेटी उनकी जगह खाना बनाती है, कलेक्टर को आवेदन सौंप कर वेतन की गुहार लगाई है। शिवपुरी से संवाददाता मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम मावर। क्या शिकायत लेके आप लोग? जी मेरी माँ की हालत ज्यादा खराब है, 3.5 साल से पैसे नहीं मिले। किस चीज के? छात्रावास में नौकरी करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। एक माह में कितना पेमेंट? 10,000। अभी तो पैसे नहीं मिले। 3.5 साल हो गए, सरकार कहती है बजट नहीं आया। बजट कब आएगा? जब इंसान चला जाएगा, जब बजट आएगा। क्या उनका लड़के भी नहीं है, उनके पति भी नहीं है। मैं लड़की हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। खाने के लिए करे कि हम बीमारी के लिए करे? बताओ कहाँ से पैसे लाए? हम भी तो परेशान है। अभी क्या तकलीफ आ रही है? उनको तो बहुत बड़ी तकलीफ है, मैं क्या बताऊँ सर। उनके लीवर, किडनी, पीलिया सब बीमारी एक साथ लग गई उनको। सहायता के लिए तो हम कम से कम 6-7 महीने तो देते ही देते हो गए, और पूरी बुसाल निकल रही इनको भी दे 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 दे। अब इतनी हालत खराब हो गई है कि सर मेरा तो इनके बगैर कोई सहारा ही नहीं है। बच्चे वगैरह भी नहीं है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई भी नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है। जी माँ है हमारी तो अकेली। क्या उम्र क्या हो गई? 60 साल हो गई उनकी उम्र। अभी मैं 1 साल से तो मैं ही जा रही हूँ उनकी जगह पे, वो भी पैसे नहीं मिले। चलो मैं करूंगी, जब पैसे मिल जाएंगे उनके। जब भी पैसे नहीं मिले, सरकार पैसे कब देगी? हमें पैसे चाहिए अपने हक के ही। हम सरकार के पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। हक के ही नहीं मिले तो कब मिलेंगे पैसे? अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? बसंती माँ। क्या हो गया तुम्हें? बीमार हूँ भैया। क्या तकलीफ है? खाना बनाने काम करती है। कहाँ पे? दर्पण कॉलोनी। कौन सी जगह काम करते हैं? छात्रावास में। क्या तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? उनकी भी हालत ज्यादा क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्या दिक्कत पीछे होगा यार? क्या सहायता नहीं मिल रही है? परेशानी, हाथ पैर नहीं चले, कोई सुनवाई नहीं हुए। तुम्हें वेतन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। कितने समय हो गए वेतन? 10,000। कितने समय कितना हो गया वेतन? 3.5 साल से। 3.5 साल से वेतन नहीं मिली।